फ्रेंड्स बिल्कुल, तो मैं चले चले आज मैं आपको सोयाबीन से बताती हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बताती हूँ रानी के लिए, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए पानी गर्म होने के लिए दे दी हूँ, अब इसमें इसमें सोया चंक्स को डाल देती हूँ। इसे मैं थोड़ी सी नमक डालूँगी और इसे अच्छे से खोलने देते हैं, इसे हल्के से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खोल डाली धीरे और थोड़ी सी खोलेगी, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, देख सकते हैं। बस इसे अब ठंडा के रख देते हैं, 5 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा अच्छे से। ये एक बर्तन में इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका, अब इसका सारा पानी हाथ से ऐसे निचोड़ के इस तरह से, देखिए इस तरह हाथों से दबाते हुए सारा पानी सोया बड़ी से ऐसे निकालते जाएंगे और दूसरे बर्तन में इसे रखते जाएंगे। इसे देखिए इजीली ये निकल जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर कढ़ाई गर्म हो चुका, अब इसमें मैं तेल डालूंगी 1 बड़ी चम्मच। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं सोया बड़ी को सारे डाल देती हूँ। एक मिनट के लिए भूनूंगी, थोड़े से हल्दी डाल देती हूँ और नमक डालूंगी, हल्के से नमक डालना चाहिए, हल्दी इससे कलर अच्छा आएगा। और नमक से डालना है ताकि तेज में, ताकि इसे एक मिनट ही भूनना चाहिए, ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये भुना चुका है, चलिए इसे मेरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। और फिर से मैं ग्रेवी के लिए इसमें मसाला रेडी करी, इसमें तेल डालूँगी। छोटे चम्मच है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका, अब इसमें डालूँगी बड़े साइज के प्याज, अच्छा मेरे रख ली काट दी, बिल्कुल ना काटे फ्रेंड्स। इसमें लहसुन डालना है, अदरक मैं नहीं डाल रही हूँ, आपके पास है चौक आ रही, मेरे बच्चे को लहसुन अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें खाने में तो बहुत टेस्ट लगता है, आप जरूर डालें अदरक। फिर एक टमाटर बड़े साइज से, 3 हरी मिर्च, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, थोड़ी सी नमक में डालूंगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए, पक जाए ये टमाटर, फिर थोड़े से और मैं भून लेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस को मैं बंद कर दी हूँ अब ठंडा होने के लिए, जब तक ये ठंडा होता तब तक चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। चलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी आधा कटोरी दही डालूँगी। देखिए इसमें सब मसाला है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, इन सबको मैं इसमें अच्छे से मिक्स मिला देती हूँ। थोड़ी सी नमक, इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सारे मिक्स हो गया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई मेरा गर्म ही था, उसमें फिर 1 बड़ी चम्मच तेल डालूंगी। तेल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका, अब इसमें मैं थोड़ी सी जीरा डालूंगी, दालचीनी, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, सब इसे मैं डाल दूँ। अब इसमें मैं पेस्ट को डाल देती हूँ। अच्छे से पानी डालते हुए इसमें डाल दें, लेकिन थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, मसाला तो पहले ही भून जा गया, तो भून लिए थे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया है, अब इसमें इसे डाल दूँगी, इसे अच्छे से भून जलूँगी, भूजूँगी भी थोड़ी देर इन सबको।
बस मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनना है पहले, क्योंकि इसमें दही में मिलाई है, इसीलिए पहले फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये भुना चुका है, तेल भी देख सकते हैं साइड साइड में कैसे छोड़ दिया है ये। इसमें थोड़े से पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस इसमें थोड़े से एक बॉईल होने देते हैं, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बॉईल हो चुका है अच्छे से ये, और इसे 1 मिनट पका लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और मैं लास्ट में इसे धनिया पत्ते डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहा है देखने में ये, आप इसे रोटी चावल पराठा किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।